कट ने मरीजों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। आईसीयू से लेकर जनरल वार्ड तक मरीज बिजली गुल होने से परेशान हैं। पीबीएम अस्पतालों में इन बिगड़े हालातों को लेकर मरीज और तीमारदारों में बेहद गुस्सा है। लोगों ने अब अस्पताल अधीक्षक के घर की बिजली काटने की धमकी दी है। उनका कहना है कि अस्पताल प्रबंधन मरीजों के लिए इंतजाम करने में नाकाम साबित हो रहा है। त्रिभुवन रंगा जीमीडिया संवाददाता खबर पर जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। त्रिभुवन, क्या हालात हैं अस्पताल के, मरीजों को किस तरीके की दिक्कतें पेश आ रही हैं? बीकानेर का जो पीबीएम है वो संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है। यहाँ सिर्फ संभाग के नहीं, हरियाणा और पंजाब तक के भी मरीज यहाँ अपना इलाज करनाते हैं। लेकिन यहाँ के प्रशासनिक हालत इतने बेकार या बदतर कह सकते हैं अपन कि यहाँ लगातार बिजली की कटौती हो रही है, जिससे मरीज के जो वार्ड में शिफ्ट हैं उनको काफी गर्मी से सामना करना पड़ रहा है। उनके परिजन हैं जो पंखियों से हवा डाल रहे हैं। यहाँ तक कि ओटी में भी बार बार कटौती के कारण कई बार डिले करना पड़ता है। हमारे साथ कुछ यहाँ शहर के युवा हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, किस तरह की प्रॉब्लम आ रही है पीबीएम में? पिछले 5-6 महीने से लगातार परिसर में कहीं पर भी लाइटें नहीं जल रही है, और जैसा भी आपने बोला ओटी में भी लाइट चली जाती है। और बड़ी शर्म की बात है, जो यहाँ पर बच्चा हॉस्पिटल बनी हुई है उसके जो नर्सिंग का जो बना हुआ है, जहाँ पर छोटे बच्चों को 1-2 दिन 3 दिन के बच्चों को रखा जाता है, वहाँ पर परसों 3 घंटा लाइट नहीं थी। तो क्या हालात होंगे होते होंगे उनके, और बड़ी दयनीय स्थिति है। मैं जिला प्रशासन से भी निवेदन करना चाहूंगा और सरकार से भी निवेदन करना चाहूंगा, जहाँ पर जिंदगियां बचाई जाती है वहाँ पर जिंदगियां तबाह न हो, इसलिए वहाँ पर लाइट की सुचारू व्यवस्था हो। किस तरह की कमी लगातार प्रशासन की तरफ से हो रही है? प्रशासन को हमने पहले भी लिखित में दे चुके हैं, और अब आपके माध्यम से हम प्रशासन को ये कहेंगे कि जो पीबीएम में अव्यवस्था है लाइट को लेकर, उसको आप सुचारू करें, और जितने भी अव्यवस्था है पीबीएम में उसको रेगुलर करें। लाइट कटौती और इस गर्मी और उमस का माहौल, किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? सर, इसमें परेशानी तो बहुत आती है। पिछली बार भी हमने अभी ज्ञापन दिया था अध्यक्ष महोदय को, तो जो मेन रोड थी वहाँ पे एक भी लाइट नहीं थी। ट्रॉमा सेंटर अपने मोर्चरी के आगे तो ज्ञापन दिया, घेराव किया, तो कुछ सुधार हुआ है। और बाकी जैसे अभी बर्न बार्ड में जाते हैं तो वहाँ पे एसी की व्यवस्था फुल होनी चाहिए, जबकि वहाँ पे 10 एसी की जगह 2 एसी चलती है। अब स्थिति तो अब अपन हो या प्रशासन खुद का कोई आदमी हो तब तो पता चलता है क्या स्थिति होती है वहाँ पे। बर्न वार्ड को लेकर पहले भी पीबीएम हमेशा तरसम रहा है, वहाँ एसी बंद है, एसी खराब है, उसको लेकर किस तरह की व्यवस्था? ये प्रशासन की नाकामी मानता हूँ मैं इसको। पिछले एक वर्ष में लगभग 350 से ज्यादा कूलर जो है वो पीबीएम में डोनेट हो चुके हैं, बहुत सी एसिया डोनेट हो चुकी है। अभी बीकानेर के किसी बड़े नेता ने 100 पंखे भी डोनेट किए, पर ये सारे लगने चाहिए जो इन्होंने एक जगह पर इकट्ठा करके रख दिए हैं। व्यवस्था सुचारू रूप से ये खुद नहीं करना, यानी व्यवस्था नहीं है, और अगर उसके ओर ध्यान केंद्रित भी करवाया जाता है तो सिर्फ ढुलमुल रवैया जो है वो कहीं ना कहीं नजर आता है, और इसका खामियाजा सीधे तौर पर मरीज और उनके परिजनों को यहाँ पर भरना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया त्रिभुवन।